आप लोग भी खाने के लिए फ्रेंड्स ब्रेड रोल। मंडे के दिन भी उनको छुट्टी नहीं मिलती है, कोई ना कोई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, अपने बेटे को मैं दे रही हूँ बॉर्नविटा। हर वो नहा के आया है इस वजह से अभी और यहाँ पे मैं आलू को बॉईल करके रखा था, तो आलू मेरी रेडी हो चुकी है। इसे मैं मैश कर ले रही हूँ मैशर से, और मैं बनाने जा रही हूँ आज ब्रेड रोल। तो इसमें मैं जैसे चाट मसाला, नमक, हरा धनिया, हरी मिर्ची और अमचूर पाउडर, लाल मिर्च, ये सब मिला के मैं अच्छे से उसको रेडी कर दी। और मैं ये जो वाइट वाला जो ब्रेड आता है उसे मैं साइड साइड का निकाल के और पानी में डाल के हल्के से डिप करके, बस उसे हल्के हाथों से प्रेस करके ये आलू का जो स्टफिंग है मैं उसको रख के अच्छे से इसको रोल कर ले रही हूँ। और ऐसे जो ब्रेड को है ना, बहुत ही हल्के हाथों से प्रेस किया जाता है। अगर आप ज़्यादा ज़ोर लगा दोगे तो ब्रेड तो टूट जाएगा। तो आज बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल। हस्बैंड की छुट्टी थी लेकिन फिर भी उन्हें जाना पड़ गया था। संडे का दिन है बट क्या कर सकते हैं, उनका तो काम ही ऐसा है। और उस रोल को मैं जो सेवई के टुकड़े में मैं इसको अच्छे से इसके ऊपर लगा दे रही हूँ, ताकि ये जब तेल में फ्राई होगा तो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होगा। बाहर से देखने में भी इसका देखने में लुक भी अच्छा लगता है, और खाने में तो खाने की तो बात ही कुछ और है। देख सकते हो देखने में कितना प्यारा कलर लग रहा है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा क्रंची और टेस्टी था। आप लोग भी खाने के लिए फ्रेंड्स ब्रेड रोल बनाया आज नाश्ते में। बाकी का जो ब्रेड रोल बचा हुआ था उसे मैंने सूजी से स्प्रिंकल कर दिया है ऊपर से। बहुत ये भी ज़्यादा क्रिस्पी लगता है देखने में, सेवैया का भी अच्छा लगता है और सूजी का भी, क्योंकि ये ऊपर का जो पार्ट होता है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है, तो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो दोस्तों, क्या कर रहे हो आप लोग? हमारा तो नाश्ता वगैरह हो गया और हस्बैंड भी चले गए किसी काम से। संडे के दिन भी उनको छुट्टी नहीं मिलती है, कोई ना कोई काम लगा ही रहता है उन्हें। तो अभी खाना बनाना बाकी है मेरा, बाकी तो और घर के सब काम हो गए। तो अभी मेरा घर का काम जो भी रेगुलर का जो काम है, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, मतलब पूजा पाठ मैंने सब कर लिया, और चाय भी पी लिया, नाश्ता भी कर लिया, सब कुछ हो गया। और बस अभी क्या करना है, कपड़े तो मैंने कल बहुत ज़्यादा धोए थे इसलिए आज भी कपड़े नहीं धोऊंगी, और खाना बनाना है, मेरी बेटी को नहलाना है, बाकी सब काम हो गया है। मैंने सोचा थोड़ी रेस्ट कर लूँ, सुबह से लगी हूँ, तो नाश्ता करने के बाद ब्रेड रोल बनाए, जब से वो खाने के बाद मेरे हस्बैंड गए तब से मैं अभी जस्ट बैठी हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर हाय हेलो कर लूँ आप लोगों से, और फिर मैं थोड़ी देर के बाद से लगूँगी काम में। खाने के बाद थोड़ा कुछ करने का मन नहीं करता है, वैसे भी आज संडे है तो उतनी हड़बड़ी है नहीं, बच्चे टीवी देख रहे हैं और वो भी नाश्ता कर चुके हैं, हम लोग भी नाश्ता कर चुके हैं, तो करते रहूँगी अपना धीरे धीरे काम।
कपड़े वगैरह कल जो मैं धोई थी इतना सारा था कि अभी फोल्ड करने हैं, रखे हैं जो, और अभी उस बालकनी में हैं हॉल के साइड वाले, सब समेट के रखना है। और ये देखिए, ये ड्रेस आज मैंने पहना है, ये मेरी दीदी ने सिला था, आज मैंने पहला पहनी हूँ पहली बार, अच्छा है। पंखा बनाने वाले भैया आए हैं, क्योंकि हमारा जो हॉल का पंखा है ना, पता नहीं किस वजह से वो बिगड़ गया था, चलता ही नहीं था, बहुत ही स्लो चलता था, और हमारे बेडरूम का भी पंखा बहुत ही स्लो चलता था, तो दोनों पंखा इन्होंने बना दिया और इतना फास्ट चलने लगा है कि पहले से भी ज़्यादा तेज़ जलने लगा है। तो आज संडे का दिन था तो इसलिए बुला लिया गया था इनको। गरम है, गरम है, बहुत जिद्दी है, थोड़ा भी उसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता। मैं बोल रही रुक जा, लाती हूँ। बाल मेरे बिखरे, भी बाल मैंने कंघी नहीं किया है इसलिए थोड़ा फैले फैले हैं, जा रही उसमें, उसके दूध को थोड़ा ठंडा कर दूँ। बहुत गर्मी लग रही है, पूजा करते समय तो ये देखिए पसीने वसीने, क्या बताऊँ, इतनी गर्मी है ना, सिर्फ पंखे में रहो एसी में रहो तभी लगता है आराम मिलता, नहीं तो नहीं। मस्त हवा आ रही है यहाँ पे, अभी विंडो के साइड जहाँ मेरी उंगली कटी थी ये देखिए, इधर से अच्छी आती है हवा। तो चलो अब मैं चलती हूँ खाना बनाने, और आज मार्केट जा नहीं पाई, कल मेरा व्रत है। तो पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे काट रही हूँ सब्जी, और साथ में किट्टू पढ़ाई कर रहा है, और जब मैं इसे ना बिठा के पढ़ाती हूँ तो भी ये ढंग से पढ़ता है, नहीं तो देखो लेट जाता है बैठे बैठे। जब मैं डांटी हूँ तो उठ के गया है अपना स्टडी टेबल लाने कि मम्मा मैं इसी में पढ़ूँगा। तो जब स्टडी टेबल लगा देती हूँ तो फिर अच्छे तरीके से पढ़ता है, और इसकी आदत है ना, मैं जब सामने होती हूँ तभी ये अच्छे से पढ़ता है, और नहीं होती हूँ तब तो फिर जब अपनी मर्ज़ी जैसे होता है वैसे पढ़ता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो सब्जियाँ काट लेती हूँ, साथ में टीवी भी ऑन था, मैं देख रही थी, उसके बाद सब्जी बना के फिर मैं बेटे को पढ़ाऊँगी। तो फिर भी जितना सब्जी काटने के समय तक जितना मैं बताना था उसे बता दी, जो जो उसे आ नहीं रहा था मैंने बोला ये सब कम्प्लीट करो। और पीयू ऐसी परेशान करती है, उसको पढ़ने नहीं देती और मुझे उसे पढ़ाने नहीं देती, तो वो भी उसका बुक लेके बैठ गई है पढ़ने के लिए, और मम्मा मम्मा आ मम्मा आ ऐसे दिखाते रहती है, उसमें बलून आइसक्रीम वगैरह तो दिखाती है मुझे। तो मैं फटाफट से सब्जियां मैं बना ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है नहीं सब्जी बनाने के बाद, बेटे को मुझे पढ़ाना है, क्योंकि उसके पास जब तक मैं बैठूंगी नहीं तब तक से वो ढंग से पढ़ेगा नहीं, और उसका कल टेस्ट भी है।
है, तो अब मैंने सोचा चलो मैं आटा भी लगा के रख देती हूँ। अब आटा लगाने के बाद मैं रोटियाँ तो नहीं बनाऊँगी, पहले उसे मुझे पढ़ाना है और हस्बैंड भी अभी आए नहीं है घर पे, जब आएंगे तब बनाऊँगी। और नाश्ता सबने किया ही, इसलिए भूखी नहीं हूँ। तो मैंने सब्जी बना लिया है और आटा भी लगा के रख दिया, रोटियाँ बनाऊँगी बाद में, पहले बेटे को मुझे पढ़ाना है, उसका कल टेस्ट है मैथ का, तो पहले पढ़ा लेती हूँ। और वीडियो भी अब मैं वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ, क्योंकि पढ़ाना ज़रूरी है। दिन में सो गया था और शाम को उठा है तो मैं बिजी थी, पढ़ा नहीं पाई, तो अब मैं पढ़ाऊँगी। और इसे नींद भी नहीं आएगी अभी इतनी जल्दी, क्योंकि उठा है, क्योंकि सोया है इसलिए। चलो अब मैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय।